लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है। कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। छपरा में आज सुबह बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और फायरिंग हुई। कांच की बोतलों से हमले किए गए, जिनमें एक राजद समर्थक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियातन 2 दिन के लिए सारण में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा बाधित के लिए DM ने प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है। इस मामले में पुलिस ने RJD समर्थक की हत्या के मामले में BJP नेता रमाकांत सिंह सोलंकी और उनके भतीजे राम प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 6 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक राजकिशोर सिंह, भगवान बाजार थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर सुभाष कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल से लेकर छपरा सदर अस्पताल तक भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। उधर बिहार के छपरा में लोकसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर हुए बवाल पर सारण से RJD प्रत्याशी एवं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने BJP पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी ने मंगलवार को हिंसक झड़प में RJD समर्थक की मौत पर कहा कि BJP के लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। रोहिणी ने कहा कि उन्हें न्याय चाहिए। 3 RJD कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई। रोहिणी ने आरोप लगाया कि BJP के गुंडे ने उन्हें भद्दी गालियां दी और उन पर जानलेवा हमला भी किया गया। उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन को तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको, गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए इनके ऊपर। शाम में क्या बात है, आप भी गल गए थे उस समय, आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है हर एक बूथ पे, आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ वहाँ पे। हम बूथ लूटने गए थे कि गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में, उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी, भाजपा वाले गुंडे को? सारण लोकसभा क्षेत्र में जाति स्तर पर वर्चस्व के लिए खींचतान चलती है। इसी वर्चस्व की लड़ाई में 2 व्यक्ति को जान गंवानी पड़ी। यहाँ जाति आधारित वर्चस्व के साथ राजनीतिक वर्चस्व भी है। इसके पहले सारण में ही कुछ समय पहले माझी में ही जाति आधारित वर्चस्व को लेकर हत्या हुई थी, जिसे पुलिस ने बहुत सूझबूझ से नियंत्रित किया था। हत्याकांड के ठीक पहले चुनाव के दरमियान रोहिणी आचार्य उस क्षेत्र में गईं। यह घटना सारण जिला मुख्यालय छपरा के पूर्व दिशा में मुख्य सड़क पर स्थित तेलपा की है। यह भिखारी ठाकुर चौक के नज़दीक है। इस जगह से रोहिणी आचार्य का पार्टी कार्यालय नज़दीक है। आज दोपहर बाद तेज प्रताप भी सारण स्थित घटनास्थल पर पहुंचे और तेजस्वी ने भी मीडिया से बातचीत में सख्त कार्रवाई की मांग की और अच्छे माहौल में चुनाव कराने की अपील की है। सूचना मिली है सुबह सुबह की 2 लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया, कि गिरफ्तार करेगी। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पर भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। 3 लोगों को गोली लगी है, 1 ऑन स्पॉट डेथ की, 1
सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए। बिहार में अब तक शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था। छपरा में हिंसा चुनाव के बाद से शांति भंग की बड़ी खबर आई है।